तो हम शादी करने के लिए परेशान नहीं थे। अच्छा। इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया हमको शादी के लिए, तब जाके मेरी शादी हुई है। तो ये बोले कि ना हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे शादी करना अच्छा। चाहते हैं जी, ये हमको प्रपोज किए। तो अब कहना तो लोग हमको यही बोलेगा इस लड़की को शादी करने का जुनून था, शादी की पढ़ाई तो किया। क्या बनना चाहती हैं आप? मेरा सपना है SDM बनना। SDM बनेंगे जी, SDM बनने का सपना है। बाकी तो रैंक पे निर्धारित किया जाए। जब हम 20 दिन के थे तब से मेरा हड्डी टूटना चालू हुआ। कौन सी बीमारी है? इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इस बीमारी करोड़ों लाखों में पाया जाता है। एक होता है टीचर वाला BPSC और एक होता है सिविल सर्विस वाला BPSC। तो हम एग्जाम दिए थे सिविल सर्विस वाला SDM पद के लिए। मीडिया पे एक बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि लव मैरिज, एक दो कपल हैं, शादी कर लिए हैं, लेकिन उसमें खास बात यह है कि जो लड़की का हाइट है, वीडियो में दिखा दीजिए, हम दिखाते हैं, साथ में ही वो हैं, एक जैसे कि एक बित्ता और दो बित्ता जैसे नापते हैं लोग वैसे, और ये भाई साहब कम से कम 5 फीट से ऊपर हैं, और इनको बताया जा रहा है 2 फीट की ये हैं, और सोशल मीडिया पे तमाम बहुत से वीडियो वायरल हो रहा है, और इनके हाथ में देख सकते हैं इनका हाथ जो है हर जगह पर क्रैक है, टूटा हुआ है, और पैर पर नए चल पाती हैं, नए दौड़ पाती हैं, नए किसी प्रकार का खाना बना पाती हैं, लेकिन इनमें खास बात ये है कि ये पढ़ लेती हैं। देखिए यहाँ पे इनका किताब भी है, मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कॉपी है, देख सकते हैं इनका राइटिंग, ये ऐसे ही ये राइटिंग लिखती हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए, देख सकते हैं इंग्लिश कितना सुंदर ये लिखती हैं। तो खास बातें इनसे करेंगे, और कैसे इनसे और इनका मुलाकात हुआ, और कैसे प्यार का सिलसिला चालू हुआ, और कैसे शादी हो गया, और ये बिहार से चल के देवरिया में कैसे आ गई, वीडियो में बने रहिए, सारी बात बताएंगे। एक बार अपना नाम बताएं। सबल परवीन। आप लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सभी को हमारी ओर से नमस्ते। अच्छा परवीन जी, कब कैसे सिलसिला चालू हुआ आपका? देखिए हम, मेरा वीडियो काफ़ी पहले से भी वायरल हो चुका है, और हम खुद एक यूट्यूबर है। अच्छा जी। तो मेरा वीडियो जब चलता गया तो हम पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, तो इस कारण से मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल में रहता था हमेशा। तो जब वायरल में रहता था तो ये वीडियो इनके पास भी गया, और किसी ने हमसे कमेंट में नंबर मांग रखा था कोई फ्रेंड वगैरह मेरी, तो उनको हम नंबर दिए थे, तो हम नंबर डिलीट करना भूल गए थे उससे, कि हमको मालूम नहीं था कि इससे नंबर भी डिलीट होता है, तो नंबर डिलीट करना भूल गई। वो नंबर ये कैच करके रखे हुए थे, नंबर कैच किए हुए थे, तो इनको मतलब ये काफ़ी टाइम के बाद फिर ये ट्राई किए, तो जिस समय ये मतलब ट्राई किए थे उस समय ये विदेश में रहते थे, और हम मतलब इंडिया में रहते थे, बिहार में, बिहार भागलपुर। कौन सा जिला आपका पड़ेगा? भागलपुर जिला। भागलपुर जी, तो हम बिहार भागलपुर में रहते थे उस समय। उसके बाद जो तो हम लोग मतलब हम दोनों एक दूसरे को जान ही नहीं रहे थे, तब तक हम लोग कुछ दिन जब बीता 7-8 दिन तक बीता, तो इन्होंने मतलब हमको इस पर ईमो पे कॉल किया, ईमो पे कॉल किया, तो हम पूछा, उठाए फ़ोन, तो बोले कि कौन बोल रहे हैं, तो बोले कि हम आपका वीडियो देखे थे मोबाइल में यूट्यूब पे, तो आप वही लड़की बोल रहे हैं ना, तो हम हाँ वही बोल रहे। तो उसके बाद फिर बात हुआ, उसके बाद इन्होंने पूछा मेरे बीमारी से रिलेटेड बातें, कि उसके बाद फिर बोला कि ठीक है आपका बात करने का अच्छा तरीका, आप हमसे दोस्ती करोगी, तो हम मेरा स्कूल कॉलेज में ढेरी फैन है, ढेरी दोस्ती है, तो हम सोचे दोस्ती करना, दोस्ती कर लिए। अब दोस्ती किए तो वो दोस्ती जो था हम लोग अच्छा दिन सा 8-9 महीना तक दोस्ती चलता रहा, फिर उनके बाद अचानक से ये बोले कि ना हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं जी, ये हमको प्रपोज किए। तो आपको कैसा लगा जब ये प्रपोज किए, तो कैसा लगा? तो हमको बहुत अजीब सा फील हुआ कि मतलब अचानक से कोई फ्रेंडशिप में रहते रहते कोई इस तरीके का कोई भी सवाल करेगा तो अजीब सा लगेगा इंसान को। तो उसके बाद फिर हम बोले कि नहीं आप देखिए आप समझिए इस चीज़ को, ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ना कोई भी घर वाला, आप अगर मान के चलिए कर भी लीजिएगा तो कोई और नहीं एक्सेप्ट करेगा हमको, ठीक है ना, आपके घर वाला ना मेरा फैमिली वाला तैयार होगा, बोलेगा कि जब हम इतने प्यार से दिलार से उसको पाले तो तुम कैसे रखोगे ना रखोगे मेरे बच्चे को, तो मेरा पापा मम्मी तैयार नहीं होगा। अच्छा दिन इसको हम 8-9 महीना तक इसको बहुत समझाएं इस मैटर पे। अच्छा, ये जो आपके हस्बैंड हैं इनको आप 8-9 महीने समझाएं कि मुझसे शादी मत करो। जो भी लोग ये बात बोलता है ना कि लड़की शादी कैसे कर ली, उसको नहीं करना चाहिए था, तो हम शादी करने के लिए परेशान नहीं थे। अच्छा। इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया हमको शादी के लिए, तब जाके मेरी शादी हुई है।
तो हम सोचे कि अगर किसी इंसान अगर मेरे मेरे लाइफ में मेरी जिंदगी में हो सकता है मेरी किस्मत में यही था तो शादी हो गई मेरी कोई चल के तो किसी हम तो खोजने नहीं गए थे ठीक है। उसके बाद जब मेरी इस मतलब बात हुई तो हम इनको बहुत समझाए बोले कि नहीं हम आपसे शादी करेंगे क्या पता अगर अच्छी लड़की शादी करे वो गिर जाएगी कुछ हो ही गया तो क्या वो भी तो आप आई जाएगी तो क्या हम उसको छोड़ देंगे रोड पे। तो हम बोला कि नहीं बात तो सही है तो बोले ठीक है आप मेरे पापा से बात कीजिए जब मेरे पापा तैयार हो जाएंगे ना तब हम आपको हाँ हमको पता था कि मेरा पापा तैयार नहीं होगा इसलिए हम इनको नंबर दिए थे नंबर दिए पापा से बात हुए तो पापा बोले कि ठीक है तुम अपने पापा से बात करवाना बात हो जाएगा तो हम तुमको बाद में बता देंगे। फिर इनके पापा से बात हुए तो इनके पापा बोले कि नहीं जब मेरा बेटा तैयार है तो हम शादी करने के लिए तैयार है कोई दिक्कत नहीं है। फिर शादी उदी मेरा अच्छा 2 साल के बाद फिर मेरा शादी हुआ 2-2.5 साल समझिए हम लोग का एक दूसरे से बातचीत चलता रहा। उसके बाद शादी हुआ तो ये डायरेक्ट वहाँ आए बंगाल उस समय फिर हम लोग बंगाल चले गए थे। अच्छा आपका घर बंगाल में भी है? नहीं मेरा घर बंगाल में मेरे पापा बिजनेस करते हैं वहाँ पे तो मेरे पापा अपनी फैमिली को लेके मतलब शादी से पहले ही मेरे लेके चले गए थे बिहार से बंगाल। तो उस समय ये तब वहाँ पे आए बागडोगरा सिलीगुड़ी बागडोगरा ना वहाँ पे आए तब तो इनको रिसीव किए तो ये घर जाके नहीं डायरेक्ट मेरे से डायरेक्ट शादी करने के लिए आ गए। तो इसी बात के लिए उनके फैमिली को थोड़ा नाराज़गी है और इनका कहना हुआ कि हम इसलिए आए थे कि वो लोग कभी तैयार नहीं होता है वो लोग दिखावा का बोल रहा था ठीक है। तो हमको ये सब पता नहीं था इन्होंने बाद में बताया हमको सब। उसे फिर मेरी जब शादी वहाँ पे हो गई तो शादी होने के बाद फिर हम लोग अच्छा दिन वहाँ पे रहे वहाँ पे हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मतलब ना काम धंधा समझ में आ रहा ना कोई लैंग्वेज समझ में आ रहा। मेरा पढ़ाई भी बहुत 2 बार हमने फिर उसी दौरान BPSC का एग्ज़ाम दिया। अच्छा अब BPSC का एग्ज़ाम भी दिए हैं? हाँ उसके बाद उसी दौर एक बार शादी से पहले दिए तो 3 नंबर से रह गए दूसरा बार शादी के बाद दिए तो 1 नंबर से रह गए। तो हम बोले कि क्या हो रहा है मेरे साथ सेल्फ स्टडी कर रहे ना कहीं से कोई इनकम है कि हम कुछ आगे बढ़ पाए हम कुछ कर सके मेरा शुरू से सपना कि हम कुछ अच्छा काम करें। तो प्रवीण जी जैसे कि ये गए वहाँ पे आपसे शादी रचाएं तो इनके परिवार वाले थोड़ा सा नाराज हल्का फुल्का थे कि क्यों नहीं मुझसे परमिशन लिए। तो अब क्या कितना तक आप पढ़ाई की हैं और क्या करना चाहती हैं? जी मेरा मतलब जो है 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हिस्ट्री ऑनर्स से। उसके बाद 1 साल हम लोग पढ़ाई ब्रेक किए हम उसके बाद हम सोचे कि क्यों नहीं जब हम इतना दूर तक इतना संघर्ष करके यहाँ तक पढ़े तो हम अपने लाइफ में कुछ ऐसा करें कि नाम हो मेरे ज़िंदगी में। उस समय हम शादी उदी के बारे में नहीं सोचे क्योंकि मेरी शादी 2022 में हुई है और मेरा ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हो गया था। तो इसके बाद हमने एक माइंड में सेटअप करा कि हमको ना क्यों ना सिविल सर्विस पे जाने का शौक़ लगा तो हम उस चीज़ की तैयारी करने लग गए। अब ना मुझे कंटेंट का मालूम ना कुछ ना सिलेबस कुछ भी पता नहीं बस मेरे मन में आया कि हमको तैयारी करना अब बस यूट्यूब से सर्च मार मार के खोजना चालू कर दिए उसके बारे में पूरा जानकारी लेना चालू कर दिए। उसके बाद जब हमने एग्ज़ाम दिया तो मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रुका। 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया? रुका बस तो काफ़ी हमको थोड़ा डिमोटिवेट हो गया हम। उसके बाद फिर हम क्या किए इनको बोले कि देखिए हम चाहते हैं कि तैयारी करना हम और हम अपने मतलब अपने आप को रोकना नहीं चाहते हैं कि हम अगर शादी करके रुक गए ना तो लोग हमको यही बोलेगा ये लड़की को शादी करने का जुनून था शादी की पढ़ाई तो किया। तो हम सोचे कि नहीं ये बोले कि चलो तब तुम वहीं पढ़ना। तो देवरिया आप लोग चले आए यहाँ पे तो जो आपका हाथ जैसे हाथ अपना दिखा दीजिए थोड़ा सामने करके ये हाथ जैसे ये टूटा हुआ हड्डी है ये शुरू से है कि बीच में हुआ आपका? नहीं ये मेरा बचपन से ही चला आ रहा है। अच्छा। जी जब हम 20 दिन के थे तब से मेरा हड्डी टूटना चालू हुआ। कौन सी बीमारी है? इस बीमारी का नाम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इस बीमारी करोड़ों लाखों में पाया जाता है। इस बीमारी में हड्डी अपने आप हल्का सा चोट लगने से भी टूट जाएगा इतना कमजोर हड्डी। हाँ हाँ थोड़ा अगर कोई चीज़ शीशा का जैसे मान लीजिए बर्तन है पैर पे गिर गया मेरा अभी वो गिलास उठा के पैर पे गिरा देगा तो वो हड्डी टूट जाएगा। एक गिलास थोड़ा सा गिलास दे दीजिए अगर एक गिलास आपके पैर पे हम गिरा देंगे तो आपका हड्डी टूट जाएगा। हाँ यही बात है सोचिए। ये तो काफ़ी आश्चर्यजनक बातें कर रही हैं कि एक गिलास कांच का गिलास है अगर इनके पैर पर मैं गिरा दूंगा तो इनका पैर टूट जाएगा। यही बात है, यही बात है। हाँ ये कांच का गिलास बचने का उम्मीद है लेकिन मेरा पैर बचने का उम्मीद नहीं है। तो भागलपुर से आप देवरिया में आई हैं तो कहाँ से ये जो राइटिंग इतना सुंदर ये लिखती हैं
ये कैसे सीखी ये हाथ काम? अभी तो आपका हाथ टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ तो कैसे लिख लेती हैं? अपने से लिख लेते हैं। कुछ लिख के दिखाइए थोड़ा, ये थोड़ा सा जूम कर दीजिए, देखिए लिखने जा रही हैं। इनका हाथ पहले से टूटा हुआ है, कैसे इनका हाथ है आप देख सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश बहुत सुंदर लिखती हैं और ये लिखने जा रही हैं, अभी देखिएगा आप। My name is सबल परवीन। कितना ये देख सकते हैं क्या लाजवाब राइटिंग है, और देखिए मुझे हैरानी है इस बात की है कि इनका हाथ है बगल से टूट गया है, यहाँ पे देखिए जो अंडर आर्म है वहाँ से टूटा हुआ है हाथ, और ये कैसे कितना सुंदर लिख दिए हैं। लेकिन अभी जो यूथ है, जो युवा हैं, चाहे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, अभी इतना सुंदर नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा सा चोट लग जाता है तो कहते हैं, तमाम प्रकार के नखड़े बनाते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं ये करूंगा। लेकिन इनको देखिए कि ये इतना पैर से आप चल पाती हैं प्रवीण जी? ये पैर से नहीं चल पाती हैं, और इनका हाथ भी टूटा हुआ है। अगर एक कांच के ग्लास इनके हाथ पे पैर पे चाहे कहीं भी बॉडी में गिरा दिया जाए तो इनका टूट जाएगा, वो जगह हल्का सा टूट जाता है। लेकिन सोचिए इनका कितना मनोबल बुलंद है कि आज भी पढ़ाई करती हैं और एक नंबर से बीपीएससी में पीछे रह गई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हम पीछे रहे। एक होता है टीचर वाला बीपीएससी और एक होता है सिविल सर्विस वाला बीपीएससी, तो हम एग्जाम दिए थे सिविल सर्विस वाला एसडीएम पद के लिए। क्या बनना चाहती हैं आप? मेरा सपना है एसडीएम बनना। एसडीएम बने जी, एसडीएम बनने का सपना है, बाकी तो रैंक पे निर्धारित किया जाता है। तो क्या ऐसा नहीं हो जैसे कि बहुत से मैं देखा हूँ प्यार मोहब्बत में जब दूरियाँ रहती हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और जैसे संबंध हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है, तो उसके बाद जो दूरियाँ रहती है काफ़ी दूरियाँ बढ़ने लगती हैं, नज़दीकियाँ दूरियाँ में तब्दील हो जाती हैं, तो इनके साथ कभी ऐसा हुआ हो? नहीं देखिए, हम तो हकीकत बात पूछिए तो हम इनसे दिल से बहुत प्यार करते हैं जी, जो बात है हकीकत है, हम ऑन कैमरा के सामने बता रहे हैं कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी ये करते हैं तो इनका दिल में होगा, हम तो खुल के बता दिए, ठीक है। और बात रही, हम चाहते हैं कि देखिए हम तो इतना बड़ा सपना तो लिए हैं अपने दिमाग में, सोचे हैं कि हम इतना दूर तक आगे का कवर करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी सेलिब्रिटी है कम से कम हमसे आके मिले, जैसे सलमान खान या फिर ये नरेंद्र जी मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, और उनकी चुनाव चल रही है, तो इस कंडीशन में क्या हमारा उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए?